हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सबको स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेश कॉमोडिटी वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डेंजरस इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे जिसके पीछे हाथ था निकोला टेस्ला नाम से एक साइंटिस्ट का। हाँ दोस्तों, इन्वेंशन का नाम था डेथ रे। आप सबको नाम सुनकर थोड़ा सा डर लग सकता है, पर ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रियस इन्वेंशन था। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और इस मिस्ट्री को जान लीजिए कि इसके पीछे मिस्ट्री क्या था। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की पेशकश शुरू करते हैं। तो दोस्तों, निकोला टेस्ला नाम से जो साइंटिस्ट था उनको कभी भी उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला उनके इन्वेंशन के लिए, पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे और बहुत ही अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए थे। पर उनमें से एक इन्वेंशन था डेथ रे। तो डेथ रे एक ऐसा इन्वेंशन था जो कि हमारे दुनिया का नामो निशान भी मिटा सकता था, क्योंकि इस डेथ रे का जो मेन पर्पस है वो था हवा में करंट को ट्रांसमिट करना। हाँ दोस्तों, जहाँ कहीं भी डेथ रे लगा हुआ है उधर से 400 किलोमीटर के रेंज तक किसी भी प्लेन को ये मशीन एकदम डिस्ट्रॉय कर सकता था, और ये था इसका सबसे डेंजरस पार्ट। हाँ दोस्तों, अगर ये किसी भी गलत हाथों में चला जाता तो पृथ्वी का नामो निशान मिट जाता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। हो सकता है कि उन्हें भी लगा हो कि इस तरह से कुछ हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने ये सब कुछ नष्ट कर दिया, जो कि मुझे लगता है। पर अगर आप पूरा चीज़ सुनेंगे तो आपको हो सकता है कुछ और भी लगे, तो पूरी बात को सुन लीजिए। तो दोस्तों, वो तो रिसर्च करके ख़त्म कर चुके थे चीज़, अब उन्हें सिर्फ डेवलप करना था। पर तो एक कार एक्सीडेंट के बाद वो थोड़े बिगड़ गए उनका मेंटल हेल्थ, और इसके बाद वो दी न्यूयॉर्कर होटल में मर गए। और उसी के बाद इस प्रोजेक्ट का या फिर इस इन्वेंशन का कोई भी रिसर्च पेपर हमारे सामने नहीं आया है, सब कुछ डिसअपियर हो गया था। तो इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है? मुझे तो यही लगता है कि मैं जो पहले बताया कि ये नहीं चाहते थे कि ये गलत हाथों में जाए, इसलिए उन्होंने खुद ही सब कुछ नष्ट कर दिया और अपने आप को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि जिससे वो भी किसी गलत हाथों में ना पड़कर ये सब चीज़ें बता दे और जिससे हमारे दुनिया को नुकसान हो, इसलिए वो खुद ही मर गए थे। मुझे लगता है ऐसा। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से स्मार्टफोन रिव्यू नहीं बनाया, तो आप क्या चाहते हैं मैं बनाऊँ या फिर इस तरह के वीडियो में स्टक रहूँ? तो आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो और भी ज़्यादा देखने के लिए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।